देश भर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की आदर्श नगर कॉलोनी गली नंबर 2 बिजली न आने से लोग परेशान हो रहे हैं। करीब 24 घंटे से गुल बिजली से लोगों की हालत खराब थी। लोग अधिकारियों को फोन करते लेकिन लापरवाह अधिकारियों के कानों में ज्यों तक नहीं रेंगती। खबर के संज्ञान में आते ही सूर्य समाचार ने खबर को प्रमुखता से उठाया। फिर क्या खबर देख हरकत में आए बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने लोगों की परेशानी दूर करने की सोची। 24 घंटे भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को खबर दिखाए जाने के आधे घंटे के अंदर आराम मिला और बिजली आ गई। बिजली आने से पहले लोग परेशान थे। लोगों का ये भी आरोप है कि यदि बिजली आती है तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है और कई बार इतनी तेज बिजली आती है कि लोगों के कूलर और पंखे तक जल जाते हैं। बिजली के बिना पानी की आपूर्ति भी नहीं हो पाती। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अधिकारियों को फोन करते हैं तो अधिकारी फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और कोई जानकारी भी बिजली विभाग की तरफ से नहीं दी जाती है। बिजली आने के बाद लोग चैन की सांस लेते नजर आए और सूर्य समाचार का शुक्रिया भी अदा किया गया। फरीदाबाद से सूर्य समाचार के लिए दीपक गौतम की रिपोर्ट।